मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी और सपनों का शहर है। कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों के साथ ये महानगर एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है। और अब मुंबई शहर ने दादर बीच पर एक नए व्यूइंग डेक के रूप में अपने पर्यटक स्थलों में एक और रत्न जोड़ लिया है। इस आश्चर्यचकित करने वाले हैंगआउट स्पॉट व्यूइंग डेक का उद्घाटन 9 फरवरी 2022 को किया गया था। चैत्य भूमि और वीरबाजी प्रभु उद्यान के बीच स्थित इस खूबसूरत व्यूइंग डेक का नाम माता रमाबाई अम्बेडकर स्मृति व्यूइंग डेक रखा गया है। माता रमाबाई डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की दिवंगत पत्नी है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार थे। वे एक न्यायविद, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और राजनीतिक नेता थे। व्यूइंग डेक के बाईं ओर चैत्य भूमि है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्मारक स्थल है। प्रवेश द्वार के दाहिनी ओर वीर भाजी प्रभु उद्यान है। यह परियोजना मुंबई नगर निगम द्वारा 6.1 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई थी, जिसमें 5 साल का रखरखाव और हाउसकीपिंग भी शामिल है। व्यूइंग डेक बनाने का विचार पहली बार 2020 में सामने आया था और बृहन मुंबई नगर निगम की स्थायी समिति ने उसी साल अक्टूबर में इसे मंजूरी दे दी थी, जबकि इसका निर्माण मार्च 2021 में शुरू हुआ था। हाई टाइड को ध्यान में रखते हुए इस डेक को समुद्र से 10 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। 26 स्तंभों पर खड़ा यह 10,000 वर्ग फुट के क्षेत्र को कवर करता है। इसके अलावा इस जगह को खूबसूरत बनाने के लिए 130 तरह के पेड़ लगाए गए हैं। अरब सागर की लहरें किनारे से टकराती हैं, तो पानी की सुंदर आवाज से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमें एक सुंदर दृश्य दिखाई देता है। दादर समुद्र तट के किनारे पर वीरबाजी प्रभु उद्यान की झलक इतनी भव्य है कि आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं जो व्यूइंग डेक से दिखाई देती है। पीले रंग में एक बड़ी प्लेट पर अंकित शब्द वैभवशाली दादर यह व्यूइंग डेक से आपकी दृष्टि को आकर्षित करता है। वीरबाजी प्रभु उद्यान को अब नारली बाग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस उद्यान में 185 से अधिक नारियल के पेड़ हैं। इस उद्यान में अरब सागर की ओर देखने वाला एक भव्य द्वार है, जिसके चारों ओर अनेक गणेश मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। इस द्वार को बैप्स स्वामी नारायण गणेश द्वार कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने इस भव्य द्वार के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस व्यूइंग डेक पर एक समय में 300 लोग इसका आनंद उठा सकते हैं और यहां 26 बेंचों की व्यवस्था की गई है, जहां एक साथ कम से कम 100 पर्यटक आराम से बैठ सकते हैं। इस व्यूइंग डेक का आकर्षण बढ़ाने के लिए परिष्कृत ऊर्जा बचत करने वाले LED लैंप लगाए गए हैं। वर्तमान में व्यूइंग डेक सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है। यह क्षेत्र कभी एक स्टॉर्म वाटर निकास हुआ करता था। मौजूदा स्टॉर्म वाटर निकास का उपयोग पहले दादर में इंदू मिल से पानी निकालने के लिए किया जाता था। जब से मिल बंद हुई है, आउटफॉल पास की नालियों से पानी ले जा रहा है। दादर इलाकों से स्टॉर्म वाटर इसी निकास द्वार से होकर अरब सागर में गिरता है। नगर निगम ने स्टॉर्म वाटर निकासी के कम उपयोग वाले क्षेत्र को बदलने में बहुत अच्छा काम किया है और इसे सफलतापूर्वक एक सुंदर देखने वाले व्यूइंग डेक में बदल दिया है। व्यूइंग डेक अब यात्रियों और पर्यटकों के लिए एक आकर्षण के साथ साथ एक पर्यटन स्थल भी बन गया है, जिसे देखने के लिए हर कोई उत्सुक रहता है। यहाँ मुंबई शहर का स्काईलाइन और माहौल ही कुछ ऐसा है। अगली बार जब आप मुंबई की यात्रा करें, तो आपको निश्चित रूप से आपको व्यूइंग डेक पर जाना चाहिए और उसका आनंद लेना चाहिए। दादर पश्चिम में स्थित, जो मुंबई के केंद्र में स्थित स्थानों में से एक है, व्यूइंग डेक बांद्रा वर्ली सी लिंक संरचना का एक मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है, जो बांद्रा रिक्लेमेशन क्षेत्र से शुरू होता है और वर्ली सी फेस पर समाप्त होता है। यहाँ से वर्ली किला और कोलीवाड़ा भी दिखाई देता है।